मतलब सीखने और सिखाने पर विश्वास रखते हुए विक्ट्री स्कूल एक मंच कुछ लोगों के माध्यम से शुरुआत की गई, और साथियों उस मंच पर हम सब मिलकर सीखते हैं, मिलकर एक दूसरे की जीत का जश्न मनाते हैं। तो आप सभी को एक बार विक्ट्री स्कूल के सभी फाउंडर लीडर्स की तरफ से मैं दिल से बधाइयां देना चाहूँगा। और आज के इस टेलीग्राम डायमंड ग्रुप लातूर के फाउंडर लीडर हमारे विनायक जी गायकवाड, मिस्टर लक्ष्मण सुरवंशी सर सिपेट वंतने, मिस्टर शिव शंकर, मिस्टर खाजा मायनोद्दीन शेख सर और सुशीला मैम, आप सभी को एक बार दिल से मैं बधाइयां देना चाहूँगा। एक सराहनीय प्रयास, शानदार प्रयास। और आज के हमारे बहुत सारे मुख्य अतिथि जिनको भी हम सुन रहे थे, महाराष्ट्र के शानदार लीडर, जानदार लीडर, बहुत ही मोटिवेशन सर से मिले नहीं है लेकिन बहुत उनके विषय में सुना हूँ, बहुत तारीफ चहल जी के माध्यम से उनकी होती है। मिस्टर सुनील पाटिल जी, मैं सर को नमस्कार करता हूँ। और उपस्थित हमारे MGRD ग्रुप के फाउंडर लीडर हमारे अजीत ऊषा सर, अंकित उपाध्याय सर, और दिल्ली के पावन धरती से हमारे प्रतीक गुप्ता जी, मिस्टर जीडी दवर जी उड़ान ग्रुप से, बिल्कुल हमारे सागर सुमन सर एवं MGRD ग्रुप के शंभु शर्मा सर, गौरव साकिया सर और धनंजय ब्रह्मा सर, सभी को दिल से मैं सप्रेम नमस्कार करता हूँ। साथियों, बहुत ऐसे लीडर्स हमारे बीच में मौजूद हैं, सभी महत्वाकांक्षी विजनरी। मैं देख रहा हूँ हमारे DN श्रीवास्तव जी, हमारे दिल्ली से डॉक्टर अजय मोहित सर, जो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर और अपनी बातों से लोगों के बीच में बहुत सही तरीके से एक आकर्षण पैदा किए हुए हैं और लोगों के अंदर में एक अलग उत्सुकता, लोगों की एक नई दिशा मिल रही है। तो मैं दिल से साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डॉक्टर अजय मोहित जी को। साथियों एवं उपस्थित सभी हमारे पर्ल, कोरल, ऑनेक्स, क्वार्ज, एमेथिस्ट, टोपाज, रूबी, सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ साथियों, साथियों पर्ल वैन इंटरनेशनल के बैनर तले मैं विजय पंडित रांची झारखंड से पिछले 3 साल कुछ महीने से हम इस शानदार सिस्टम पर्ल वैन इंटरनेशनल को सीख रहा हूँ। और साथियों जिनके सानिध्य में ये शानदार सिस्टम मिला, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर शरद चंद्र विश्वास जी, मैं चरण स्पर्श करता हूँ सर को, जिनके माध्यम से एक शानदार सिस्टम मिला। और सच ये भी है कि एक शानदार सिस्टम मिला और नेटवर्क मार्केटिंग में जिनका एक अहम योगदान, आपकी हमारी कामयाबी का जिनका एक सबसे बड़ा श्रेय जाता है, आपके ग्रेट अपलाइन का उसका अहम रोल माना जाता है। यदि आपके अच्छे अपलाइन मिल जाए तो सोने में सुहागे के जैसा होता है, बड़ी कामयाबी को अचीव करने में बहुत आसान होते हैं, बहुत सारी बधाएं को आप कम समय में उसको आप तोड़ते हुए आगे निकल सकते हैं। तो ऐसे शानदार लीडर्स के साथ हम बिजनेस को सीखे, बिल्कुल एक हमारे मेंटर हैं, आदर्श हैं सचिन विश्वा जी। साथियों इस सिस्टम के रचयिता, इस सिस्टम के एडमिन, इस सिस्टम जिनके माध्यम से मिला है, मुझे बहुत गर्व होता है कहते हुए डॉक्टर डेनियल जॉनसन जी का इस मंच से हम नमस्कार करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, दीर्घ आयु की हम उनकी कामना करते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को एक शानदार सिस्टम दिया, शानदार प्लेटफॉर्म दिया, लोगों को एक रोजगार करने का एक शानदार रास्ता दिया, जहाँ पर स्थिति और परिस्थिति समय के अनुकूल
की जो मांग थी वैसे अनुकूल में डिजिटल दुनिया में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया काम करने का, घर बैठे, जहां पर हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि आज तक आपका एक मोबाइल कॉमन यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए, नॉर्मल यूज के लिए हुआ करता था, लेकिन उसी मोबाइल में एक पर्ल वैन इंटरनेशनल का सॉफ्टवेयर आ जाने से ही आपका मोबाइल कॉमर्शियल बन जाता है। साथियों, ऐसे समय में पर्ल वैन हम सबको मिली है, इसीलिए हम कहते हैं कि एक मसीहा के रूप में हमारे बीच में आई। कब? जब लोग समझौता और निर्भरता की जिंदगी से जी रहे हो, महंगाइयां चरम सीमा पर हो, खाने वाले 10 और कमाने वाला 1 ऐसी मुश्किलों का सामना हो। साथियों, बेरोजगारी, कोविड जैसी महामारी, इन चीजों का सामना मुश्किल हालात में पर्ल वैन इंटरनेशनल एक मसीहा के रूप में हमारे बीच में आई। हम घर बैठे इसकी विस्तार पूरी दुनिया में कर रहे हैं और एक रोजगार का साधन, जहां पर रोजगार खत्म हो गई, छीना गया, बेरोजगार हो गए। हमारे एक्सपर्ट, अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट बता रहे थे कि भारत में 17 करोड़ बेरोजगारी बढ़ गई कोविड आने से। ऐसे समय में हम बड़े गर्व के साथ लोगों को रोजगार देते थे, हम कहते थे कि भाई टेंशन मत करो, पर्ल वैन है ना, पर्ल वैन करो। बिल्कुल। तो साथियों, इसीलिए हम कहते हैं कि नई क्रांति वन भारत में आई जगाने है तुमको, पर्ल वैन रूपी वन भारत माँ ललकार रही है तुमको, दिल अगर जिंदा है तो बोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। मुमकिन अगर है भारत की तकदीर को बदलना, बिखरे हुए अरमानों को अगर है फिर से सजाना, देर किस बात की, इस मंजिले को पाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए, इन रगों में खून है तो खोल जाना चाहिए। बिल्कुल साथियों। और कहा गया है कि हम उम्र से बुढ़े नहीं होते हैं, हम सब मरते दम तक हम लोग अपने आप को जवान महसूस करते हैं। और वैसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा जिन्होंने आज भी अपने सपने को जीवित रखे, जीवन में उनके सारे मलाल पूरे हो, इस तरह की महत्वाकांक्षी योजना रखते हैं, वैसे लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि जाग जाओ ए नौजवान दोस्तों, जो करना चाहता है ना, जो पाना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, जो बहुत पैसा कमाना चाहता है, जो मरने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाना चाहता है, वो सभी नौजवान है। जिसके अंदर जिगर है, जो किसके अंदर चाहत, वो क्या है? नौजवान। तो कहना चाहूंगा कि ना जाग जाओ ए नौजवान दोस्तों, आंधी तेज बहुत आई है, जब जब हुआ इस देश में परिवर्तन, हम नौजवानों से ही क्रांति आई, हम नौजवानों से ही क्रांति आई। साथियों, आप सुने होंगे बड़े बड़े हमारे लीडर्स कहते हैं, हिम्मतें मर्दे खुदा, हिम्मत वाले मर्द होते हैं और जो मर्द होते हैं उनके साथ खुदा ऊपर वाले भी होते हैं। साथियों, दुनिया में यकीनन, अभी मैं एक जगह स्कूल गए थे अपने बच्चों को लेके, तो मैं देख रहा था हमारे APJ अब्दुल कलाम का बहुत अच्छे अच्छे वाक्य कि आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। आप दुनिया में अकेला हैं, दुनिया में आप सबसे अलग करने वाले हैं, अपने आप को पहचानो। साथियों, यकीनन हम भी हमारे प्रवचन के माध्यम से सुनते थे, कई बार जाते थे, बताया जाता था कि मानव की जिंदगी 84 लाख योनियों के बाद मिला है, और इतने सुंदर जीव मिलने के बाद भी कई लोग अपने जीवन से हाय तौबा करते हैं कि कहां मेरी जन्म हो गई, कैसे घर में हो गई। साथियों, सच आप अपने आप को पूछे, मैंने माउंट टाबू के एक मीटिंग अटेंड किया था, जिसमें पहले दिन का जो चैप्टर था उसमें बताया गया था सेल्फ डेवलपमेंट, उसमें एक चैप्टर था स्वयं को पहचानो। दुनिया को तुम तब पहचानोगे यदि तुम खुद को नहीं पहचान पाया, तुम किसी को नहीं पहचान पाओगे। उसमें बताया गया था कि आप इंसान हो, इस ब्रह्मांड के सबसे बेस्ट जीव के रूप में आपको इंसान बना के भेजा है,
ऊपर वाले को गलती नहीं किया है, इसलिए प्रत्येक दिन सबसे पहले परमपिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करो। उसने अगर चाहता तो आपको चित्ती बना के भेजता। आपके अंदर असीम शक्तियां, असीम संभावनाएं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े जो कारनामे हुए हैं वो आपके जैसे ही दो पैर दो हाथ के ही थे। इसलिए वो कहते हैं कि मानो तो कितना महान है, तुझे नहीं अपनी शक्ति की पहचान है, लाखों के जीवन चलता है तुझसे, फिर भी बना तू अंजाम है, मानो तो कितना महान है। इंद्र देवादि की शक्ति तुम में, चांद सूरज की रोशनी भी तुम में, फिर भी बना तू अनजान है, मानो तो कितना महान है। और आज तू गौर से चेक करना, मैं तेरा जामंत और तू मेरा हनुमान है। तो साथियों, ये मंच, ये व्यवस्था, ये वेबिनार, ये सेमिनार, ये मीटिंग्स, ये सिटिंग्स, ये ट्रेनिंग्स जो होते हैं, हम सबको जगाने का, आपकी भीतरी आत्मा, आपकी भीतरी शक्तियों को जगाने का एक शानदार एक प्रयास है। ये आत्मा रूपी परमात्मा कब जग जाए कोई नहीं जानता है। पंडित जी हमारे कहा करते थे कि एक शब्द, एक फाइन ट्यूनिंग इंसान को जीरो से हीरो की ओर लेके चला जाता है। वो शब्द कब आपको अच्छा लगे, वो शब्द कब आपके दिल में चुभे और आपको लगे यस ये तो मेरे लिए है, मैं तो ऐसा कर सकता हूं। और दोस्तों, कहा गया है ना कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। जिस दिन मन से आप जीत लेंगे उस दिन आप दुनिया को जीतने के लिए तैयार हो जाएंगे। साथियों, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 2007 का दिन मुझे याद है, जब पहली बार मीटिंग मुझे बुलाया गया था। हम नौकरी करते थे कोलकाता में, प्रेस की नौकरी करते थे, है ना। उस समय मुझे याद है 5,000 की मुझे सैलरी थी, और जब मुझे बुलाया गया नेटवर्क की विशेषता समझने के लिए, 30 रुपए टिकट कटा के देखा था। और साथियों, ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे उच्चारण व्यक्ति स्टेज से बोल रहा था, मैं पहली बार सुन रहा था। और कुछ बातें ऐसा लग रहा था कि अच्छा, मेरे लिए तो नहीं बोल रहा है। जी हाँ साथियों, सचमुच आज लगता है कि वो शब्द मेरे लिए था, वो शब्द मेरे लिए अमृत वाणी की तरह हुआ। वो कहते थे कि जिंदगी में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। जो जीतते हैं वो हमेशा सीखते हैं। जीतने वाले कुछ अलग नहीं बल्कि उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। और उसी सेमिनार में एक किताब की विशेषता बताई जा रही थी, यू कैन विन, जीत आपकी। साथियों, वो किताब मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं जो करीब से, वो जानते हैं कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। लेकिन उस किताब में वही बात लिखा था कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। और हमने पढ़ना शुरू किया। जितना बोलते ना कि समुद्र के ऊपर देखोगे तो झाग नजर आता है, गहराई में जाओगे तो मोती मिल जाता है। साथियों, सीखता गया। पर कहते ना पंडित जी कि डर के आगे ही जीत है। जिन कामों से लगता है डर, पहले उसी को कर। अभी देखिए, पर्लवैन के इंटरनेशनल में बहुत ऐसी घटना, बहुत ऐसे लोग सोच रहे थे, भाई पर्लवैन इतना आसान है, लेकिन अब तो ये बाइनेंस को अपलोड करना, ये केवाईसी में मुंडी को हिलाना, क्या क्या करना पड़ता है, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, अब तो बहुत झंझट हो गया। बहुत शुरुआत में हर लोगों को अजीब लगता है, ये हमसे नहीं होगा, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन साथियों, एक बार, दो बार, चार बार जब उसे लगा कि नहीं तो करना ही पड़ेगा, ये हमारी जरूरत है। ट्रस्ट वैलेट को डाउनलोड करना, ट्रस्ट वैलेट की सिक्योरिटी को लिख कर रखना, उसकी क्या महत्व है, ये सब की जरूरत नहीं थी। लेकिन बोलते ना कि जो इंसान समय के साथ अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहता है, समय जहां जाती वहां तक वो पहुंच जाता है। इसलिए दोस्तों, समय की अभी मांग है। क्या मांग है कि पर्लवैन अब कर रही है कि आपको सीखना होगा, आपको आगे आना होगा, आपको अब कुछ बड़ा करना होगा। क्योंकि हम आपको लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, मैं अब आपको अरबपति बनाने की तैयारी में हूं। तो साथियों, अपने अपने स्तर पर हमें तैयारी करना होगा, सीखने पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में 90% सीखना होता है, 10% काम करना होता है। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि सर, चीजें बहुत अच्छा था, बहुत शानदार चल रहा था, प्रत्येक दिन की इनकम बहुत शानदार आ रहा था, जिनके पास जाता था ना सर, उनको हम बारूद बना देते थे, उनको हम चार्ज कर देते थे। लेकिन आज मैंने सर खूब डीमोटिवेट हो गया हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों, पंडित जी हमारे कहा करते थे
कि जब शुभ काम को अंजाम देंगे, बड़े काम को अंजाम देंगे, तो परिस्थितियां आपके विपरीत होगी। उस परिस्थितियां में आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा चलते हैं, क्या आपका करने का अंदाज है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं कि ऊपर वाले चेक करता है, क्योंकि पर्ल वाइन में जितने लोग आए ना, सब लोग करोड़पति बनने आए हैं, मुझे पता है सबको। लेकिन वो कहते हैं पंडित जी, राज की बात है, बहुत अच्छी बात बोल के गए थे कि ऊपर वाला ना चेक करता है कि काबिल हो या नहीं ना। आप लोग 3 Idiots फिल्म भी आमिर खान का देखे होंगे, उसमें बोलता है ऑल इज वेल, अच्छा सोचो अच्छा होगा। फिर उसमें बताया जाता है काबिल बनो, कामयाबी छक मार के आपके पास आएगी, है ना। उसी तरीके से पंडित जी हमारे कहा करते थे कि ऊपर वाला चेक करता है कि आप उतने पैसे जब आपको मिलेंगे तो क्या सचमुच उसको सही में उपयोग करने वाले हैं, कहीं गलत जगह तो उपयोग करने वाले नहीं है ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा पवित्र पैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा लोगों का मेहनत का है, नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा को आप गलत जगह खर्च नहीं कर सकते। इसलिए आपको बोलते ना कि आपको यहां हमेशा बेस्ट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। खुद की सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा कहते नहीं है, वो कहते हैं कि ऊपर वाला चेक करता है, वो कहते हैं कि कमजोर लोगों को मुश्किलें देता है भगवान, इसलिए ताकि वो मजबूत बने। मजबूत लोगों को भी भगवान देता है मुश्किल, पता है क्यों? वो कहते हैं कि वो महान बने, और महान लोगों को भी ऊपर वाले मुश्किल देता है, इसलिए ताकि उसे याद रहे कि मेन स्विच मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। जी हाँ साथियों, एक लीडर्स बहुत शानदार तरीके से इसी बात को लतीफों के माध्यम से, हमारे टीम में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं कि बातों में बहुत कुछ बोले के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि दाद देती है गर्द से दौरा जिंदगी, ये तराम करती है जो राही राह न छोड़े, मन जिले भी झुककर उसे सलाम कर। साथियों दर्द तो हो रहा है, मुझे पता है, मुझे भी हो रही है, बहुत लोगों का एंटीना हिल रहा है, कितने लोगों का पिक्चर साफ नहीं आ रहा है, बहुत लोग भटक भी गए हैं, बहुत लोग कई जगहों में कि सर बैठे करूंगा क्या। मैं दावे के कह सकता हूं कि 3 साल कुछ महीने में जो पर्लवाइन ने जो कारनामा किया है, कई उतार चढ़ाव जो देखते हुए, इस तरह की बधाई एक बार नहीं कई बार आ चुका है। और उन लोगों ने जो झेला है ना, उनको विश्वास है कि भैया ये जब वापसी करेगा ना, तो फिर हम लोग कहेंगे हरे कृष्ण हरे हरे, पर्लवाइन जावे घरे घरे, चाहे वो छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया, चाहे हो उड़ीसा का उड़िया, और चाहे हो झारखंड के झारखंडिया, हम सब के लिए पर्लवाइन सिस्टम ही सबसे बढ़िया, सबसे लोग मिलते हैं एवरी टाइम, अच्छे लगते हैं सम टाइम, दोस्त बनते हैं वन टाइम, और हम पर्लवाइन करेंगे लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम कहेंगे, मुझे पता है। आप ये भी कहेंगे कि मत पड़ो किसी के चक्कर में, आज कोई नहीं है पर्लवाइन के चक्कर। साथियों विश्वास आप किए हैं, संकल्प आप लिए हैं। पंडित जी हमारे कहा करते थे कि जब हम शादी करते हैं ना, जब सात फेरे लेते हैं तो संकल्प लेते हैं, वह एक संकल्प करवाता है, और सब शब्द भूल जाते हैं, लेकिन एक आता है उसको नहीं भूलते, मतलब भैया छोड़ना नहीं, चाहे जितना भी चैलेंज आ जाए, कितना भी लड़ाई हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही मंत्र है, छोड़ना नहीं, टिके रहना, बने रहना, चलते रहना, करते रहना, सीखते रहना, सिखाते रहना। ये चीजें हमारे कोर स्टेप के 5वें पॉइंट में बताया जाता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो कहते हैं कंसिस्टेंसी में कि पत्ता भी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, घोड़ा भी खड़ा खड़ा अड़ जाता है। पत्ता भी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, घोड़ा भी खड़ा खड़ा अड़ जाता है। नदी का अनुसरण करेंगे तो समुद्र तक चले जाएंगे, और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाब व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। साथियों पर्ल वाइन इंटरनेशनल में सीखते हुए आज एक बड़ी टीम को लीड कर रहा हूं। लोग कई बार
रहा नहीं जाता है क्योंकि इतना छोटा हूं ना दिखने में, तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत कई बार तो इतने लोग शिकायत भी करने लगते हैं और कुछ बोलते नहीं है। लोग कहते विजय जी तुम बहुत भोले भाले हो। आज हमारे मोहित जी से मेरी बात हो रही थी, कहते हैं विजय यार तू कैसा है मुझे पता ही नहीं चलता है, लोग तेरे को यूज कर लेते हैं कि मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं बोला क्या करूं सर, मैं इतना छोटा हूं और हम ऐसा सोचते ही है ना कि लोग कुछ भी मुझे बोल देते, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। बोला ऐसा अगले, हाँ सर, अगले सर लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि चुत्ता में बाटा, लोहा में टाटा और आदमी में नाटा बहुत खतरनाक होता है। सर तो हूं तो बहुत छोटा सर, लेकिन लोग कहते हैं कि खतरनाक बहुत है। साथियों 10 लाख की टीम बन गई ना, ये मेरे अंदर ही ताकत नहीं है, सच तो ये है। ये सिस्टम इतने शानदार है, सिस्टम इतना पावरफुल है, सिस्टम के जो तरीके हैं इतने अच्छे हैं, जिसके कारण हुआ। जितने लोग मेरे साथ जुड़े ना, वो सब लोगों ने कहा यार क्या गजब का चीज है, सेकेंडों में पैसा आता है, एक लेग से पैसा आता है, दुनिया काम करे उससे पैसा आता है। अरे वाह, हेलो जी। तो बोलते ना पंडित जी कहते थे कि ताकत सिस्टम की होती है, इसलिए सिस्टम पर विश्वास करो। बोल कैसे, बोले एक पानी में पत्थर फेंकेंगे ना तो डूब जाता है, लेकिन उसी पानी में हजारों टन का जहाज तैरता नजर आता है। एक ट्रक को 50 लोग मिलकर नहीं उठा सकता है, लेकिन मेरे दोस्त एक 5 किलो का जैक उसको आसानी से उठा देता है। सिस्टम सिस्टम सिस्टम। इसीलिए कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में विजय जी बताओ क्या चाहिए, तो हम बड़े सरल तरीके से बोलता हूं भैया कि नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए ना अकल चाहिए ना सकल चाहिए। तो क्या चाहिए, मैं बोलता हूं नकल मारने वाला नकल चोर चाहिए। बोले कैसे, कि अप्लायंस से बोलो कैसे और डाउनलाइन को बता दो ऐसे और बीच में कमा लो पैसे, यही है नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ साथी, पर्लवैन कैसा है? तो हम कहते हैं पर्लवैन इतना आसान है कि इससे पूरी दुनिया परेशान है। बोले ऐसा कि हाँ, पर्लवैन जिसे समझ में नहीं आता, बोले मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं भी कहता हूं ऐसे सर कि हे माँ भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता, पर्लवैन इसे समझ में नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे तो तरस आता है कि अमीर बनने का बिजनेस इसे क्यों नहीं समझ में आता है। तो साथियों इस समय की मांग है, बहुत अच्छा इसका अंजाम होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। जैसा कि पर्लवैन इंटरनेशनल अब लीगल दस्तावेज में लीगल तरीके से अब हमारे बीच में आने की तैयारी कर रही है। अभी कुछ महारथी लोग, कुछ एडमिन के माध्यम से कुछ बातें चल के आई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत कुछ मन में एक संतुष्टि बना कि बिल्कुल हम बहुत ऐसा बना रहे हैं, लेकिन हम सरकार को सही रूप से दिखा नहीं सकते। ये मौका अब सिस्टम आपको देने जा रही है कि आप छाती ठोक के बोल सकते हैं। अभी मेरी मीटिंग बिहार में हो रही है, टाउन हॉल में, शेखपुरा में, है ना, शेखपुरा के टाउन हॉल में लगभग 2000 लोग आओगे। मैं मना कर रहा था विपिन जी यार मत करना मीटिंग इतने, क्योंकि कोई रिक्स नहीं लेना चाहता है, हम किसको बताएंगे भाई ये मीटिंग हो रही है और भीड़ इकट्ठा करना मना है, हम लीगल में नहीं है। अभी बोलता सर मैं क्या करूं, आप कभी आए नहीं और आप बोले थे कि आप जब टोपाज बनेंगे तब मैं जरूर आऊंगा, तो हमारे टोपाज में सबको सेलिब्रेट करने बुझा रहे हैं। बिल्कुल हमें इच्छा है लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन डर भी बना हुआ है। साथियों ये सिस्टम उस दिशा में काम करने जा रही है, जब आप बड़े गर्व के साथ बड़े सीने तान के कहेंगे कि आओ पर्लवैन हम करते हैं, देखो सरकार को इतना टैक्स भी देते हैं, हम पैसा भी कमाते हैं। लोग कमाते बहुत है लेकिन बोलते नहीं है, है ना, मना है बोलना, मना है कितना कमा रहे बोलना मना है। आप खूब कमेंगे हम बोल रहे हैं भी, लेकिन दोस्त ऐसा दिन भी आने वाला है जब आप खुलकर बोलेंगे कि भैया इतना आया, इतना सरकार को गया, है ना, सब कुछ लीगल में होने जा रही। और साथियों नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, क्रिप्टो डिजिटल की दुनिया में, डिजिटल रेवोल्यूशन की दुनिया में पर्लवैन की एक ऐसी भूमिका अब अदा करने जा रही है, एक ऐसी मौका आपको देने जा रही है, एक ऐसी अवसर देने जा रही है जहां पर पूरी दुनिया, पूरे देश,
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ चुके हैं कि सबसे सुरक्षित, सबसे एडवांस, जिसको हैक नहीं किया जा सकता है, जहां पर पूरी तरह से हम सुरक्षित पूरे देश को रख सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था को बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े क्या कर सकते हैं, साइंटिस्ट सर्चिंग में लग चुके हैं, काम कर रहे हैं। सारे देश लोग चाहते हैं कि मेरे देश पूरा ब्लॉकचेन में आ जाए। और दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का ही एक पार्ट है। ब्लॉकचेन की दुनिया में क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी व्यवस्था, मजबूत व्यवस्था, जहां पर आप कह सकते हैं विकेंद्रित धन, सुरक्षित धन, गुप्त धन, मोनोपोली धन, एक धन है ना, और 2400 घंटा, 7 डे, 365 दिन चलने वाला धन, जिसका कमान आपके हाथ में हो, जिसकी वैल्यू बढ़ना हमारे आपके लेन देन के ऊपर निर्भर हो। इस तरह की व्यवस्था आज से लगभग 12 साल पहले चल रही है, लेकिन जिस कम्युनिटी के साथ पर्लवैन का पीवीसी मेटा की लॉन्चिंग करने जा रही है और जो की है, दोस्तों जब ये सही तरीके से इसका प्रारूप तैयार होगा, तो यकीनन कहते हैं भी हमारे नीरज गुप्ता जी भी आके इस मंच से बोलते गए कि पीवीसी मेटा को आप कैसा देखते हैं, मुझे नहीं पता है ना। वो कहते हैं ना कि नारियल को बाहर से देखेंगे तो चिटिंग नजर आता है, लेकिन अंदर में जाओगे तो इटिंग नजर आता है। उसी तरीके से पीवीसी मेटा क्वाइन बता रहे थे कि पीवीसी मेटा क्वाइन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये डायनासोर साबित होने वाला है। जितने क्वाइन जो 10-20 हजार दिख रहे हैं ना, सबको निगलने की क्षमता रखेगी, इस तरह की तैयारी के साथ आ रही है, और पूरा प्रोग्रामिंग मेटावर्स के माध्यम से लाया जा रहा है। तो साथियों, तैयारी बहुत बड़ी है। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम आपको अरबपति और खरबपति बनाना चाह रही है, बस इतना ही तैयारी। इसको समझिए, तो बड़ा जब होता है ना तो दर्द होता है, दर्द जो सहता है ना वही सच्चा मर्द कहलाता है। जो लोग जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, उनकी घर वापसी होगी। वो कहेंगे नहीं 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 मैंने तो कितना विन में गया भी, लेकिन नहीं नहीं परलवानी अच्छा है, वो कहेंगे, लेकिन आप सीना तान के कहेंगे, मैं बोला था ना मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है परलवान के चक्कर में, तू गया फिर आया ना। जी हाँ साथियों, आप ये बोलने वाले हैं कि आप उनका ताना सुनने वाले हैं, ये डिफेंड आपको करना होगा। बहुत बड़ी मजबूत व्यवस्था सुनने में आया कि सिस्टम अपना ब्लॉकचेन, अपना एक्सचेंज की बहुत जल्द लॉन्चिंग करने जा रही है, इसका कितना बड़ा लाभ हो सकता है, क्या बताऊं। सब कुछ आपको लौटाने वाली है। पर्लवैन एक मां की भूमिका निभा रही है बिल्कुल, और हमेशा की तरह पर्लवैन इस बार भी सबसे अच्छा करने वाली है। तैयार रहें, बने रहें। आइए, बहुत सारी महत्वाकांक्षी लीडर हमारे बीच मौजूद हैं, हम भी उनसे सीखना पसंद करेंगे। तो बहुत सारी बातें, बस इतने में कहना चाहूंगा साथियों, उन लोगों के लिए जो हमसे प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए जो हमसे इनकार करते हैं, हमसे चाह के भी, आप नहीं चाह के भी हमको चाहते हैं, इसके लिए बस इतने में कहना चाहूंगा कि हम पर्लवैन परिवार में हम सब दूर के रिश्ते के सगे भाई बहन के जैसे हैं, इसलिए हम कहते हैं, दिल से कहते हैं क्या, कि ना हम गिला करेंगे, ना हम सिकवा करेंगे, ना हम सिकवा करेंगे, ना हम गिला करेंगे। हम सब की यही प्रयास रहे कि हम एक दूसरे से हमेशा के लिए मिला करेंगे। साथियों, पर्लवैन के बैनर तले एक पंक्ति मैंने लिखा था कि भूलकर ना किसी को रुलाना, जिंदगी में सभी को हंसाना, दुश्मने को भी गले लगाना, फिर भी अगर कोई गम दे उसे पर्लवैन जरूर बताना, क्योंकि दोस्त खुशी ढूंढने से गम मिलती है, और ये गम तो जिंदगी में हरदम मिलती है, जो गम मिटा दे वह पर्लवैन के सिस्टम से मिलती है, पर्लवैन के सिस्टम से मिलती है। थैंक यू। जय पर्लवैन, जय पर्लवैन, जय हिंद, जय हिंद।